जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहेब रमज़ान भट्टी, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने उन तमाम देखने वालों का जो मुझे देखते हैं। बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो थोड़े भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो थोड़े बहुत सीरियस होके मेरी बात को सुनते हैं या मुझे वो फिर अप्रोच करते हैं। आज मैं बात करूँगा सोशली जो इम्पैक्ट है दुनिया पर हमारा, मेरा, आपका। हम सोशली या तो बहुत वैल्यूड पर्सन हैं या बहुत डीवैल्यूड पर्सन है। वो इस वजह से कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में पढ़कर अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों को, अपने आप को वेस्ट कर देते हैं कि अगर हम उन चीज़ों का ख्याल ना रखें तो हम दुनिया में कहीं आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि खुदा ताला जो हैं, अल्लाह ताला जो हैं, वो कुल आलम के खुदा हैं। वो उतने ही खुदा एक मुसलमान के हैं जितने खुदा वो किसी हिंदू या सिख के हैं। वो कुल आलम के जो खुदा हैं, उन्होंने हर शख्स के अंदर इक्वलिटी रखी है। वो इक्वलिटी वो नहीं है जो मैं या आप समझते हैं। वो इक्वलिटी का मुराद ये नहीं है कि मैं ये समझूं कि किसके पास दौलत ज़्यादा है, किसी के पास कम है तो वो रुतबे में ऊपर नीचे हैं, किसी के पास हुसन ज़्यादा और कम है तो वो रुतबे में ऊपर नीचे हैं, या किसी के पास शोहरत कम और ज़्यादा है वो रुतबे में या ऊपर है या नीचे है। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान जो है दुनिया पर वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई किसी का कंपेनियन कंपेरियन नहीं हो सकता, ना मेरा कंपेनियन कंपेरियन आप हो सकते हैं, ना आपका कोई और हो सकता है, ना मैं हो सकता हूँ। हर शख्स यूनिक है दुनिया में। वो कहते हैं ना कि अगर किसी शख्स का कोई नेमल बदल होता तो मरने वाले पे कोई आंसू ना बहाता। मरने वाले पे इसीलिए आंसू बहाए जाते हैं कि जो मरने वाला जा चुका होता है उसका कोई अल्टरनेटिव पीछे नहीं होता। मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ आपसे, आप मुझसे अलग हैं। मैं तो इंसान की बात कर रहा हूँ। आप आगे बढ़ के सोचें, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये जो मेरे हाथ हैं, मेरे हाथों में जो उंगलियाँ हैं, उंगलियों की जो पूरे हैं, उन पूरों की ये जो निशान है, लाइंस हैं, ये मेरे जैसी आपकी नहीं है, बल्कि मेरे जैसी दुनिया में किसी शख्स की नहीं हो सकती, किसी की मेरे जैसी नहीं हो सकती। ये जो मेरी आंखें हैं, आंखों के अंदर जो रेटिना है, उस रेटिना के ऊपर आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। अब आप जितना मर्जी बहरूप बदल लें, फिर भी इस रेटिना की वजह से आपकी पहचान हो जाती है, क्योंकि इस रेटिना जैसा दुनिया में कोई और रेटिना नहीं है। मैं अपना थंब इम्प्रेशन लगाता हूँ, चोरियाँ पकड़ी जाती हैं, जराइम पकड़े जाते हैं, बेनकाब हो जाते हैं लोग, इस वजह से कि मेरी उंगलियों की पूरों की ये जो मेरी उंगलियों की लाइंस हैं, इसका कोई नेमल बदल नहीं है दुनिया में, किसी और की नहीं है। इसलिए तो आप पासपोर्ट बनता है, आइडेंटिफिकेशन बनती है, आईडी कार्ड बनता है, तो ये उंगलियों की थंब इम्प्रेशन हम लगाते हैं। जब खुदा ताला ने इतनी बारीकी से एक इंसान को दूसरे से अलग किया है, दूसरे से मुख्तलिफ रखा है, तो बीइंग ए पर्सनैलिटी, पूरी शख्सियत की जब हम बात करें, तो कैसे हो सकता है कि मैं आप जैसा हो जाऊं या आप मेरे जैसे हो जाएं? हम दुनिया में तरक्की तभी छोड़ चुके होते हैं जब हमारी सारी ज़िंदगी इसके ऊपर गुजर जाती है कि मैं आप जैसा बन जाऊं या आप मेरे जैसे बन जाएं, ये सोचते हैं। मैं हूं, मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे अपने हिसाब से देखना है, परखना है, आगे बढ़ना है, आपने अपने हिसाब से बनना है। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो ज़रूरी है कि आपका आर्ट्स बहुत अच्छा हो। किसी की क्वालिफिकेशंस में एजुकेशन बहुत अच्छी माने रखती है तो कोई मैथमेटिशियन बहुत अच्छा हो सकता है। तो दुनिया में कोई शख्स जब एक दूसरे के हवाले से एक जैसा है ही नहीं, तो फिर आप काले हों, आप गोरे हों, आप जैसे मर्जी हों, आपकी बनावट पर आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, आपके किरदार के ऊपर आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये मेरा रंग देखें, मेरा कलर ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन होगा कुछ लोगों की नज़र में। ये जिस तरह का मेरा कलर है, ये एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका में 95% लोगों का होगा, 90% लोगों का होगा। और ये जो इतनी सारे लोग, इतनी सारी आबादी है, वो पता आधी से ज़्यादा ज़िंदगी क्या सोचने और क्या करने में गुजार देते हैं? नित नई क्रीमें इस्तेमाल करके, पाउडर इस्तेमाल करके, और उसके बाद रगड़ रगड़ के कोशिश करते हैं कि ये जो ब्राउन स्किन है, ये जो डार्क ब्राउन स्किन है, किसी तरह से वाइट हो जाए। उनकी सारी ज़िंदगी
ये करने और सोचने में गुजर जाती है कि काश मेरा रंग थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, थोड़ा सा और वाइट हो जाए, थोड़ा सा और वाइट हो जाए। उस थोड़े और के चक्कर में लाखों रुपए भी डुबा देते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर देते हैं। वो जो काम उन्होंने, वो जो टाइम उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल, कुछ यूनिक करने में गुजारना था, वो वेस्ट कर देते हैं। कभी कैलकुलेट करके देखिएगा कि वो जो लड़कियां, जो लड़के ब्राउन कलर के हैं, डार्क ब्राउन कलर के हैं, वो सिर्फ गोरा चिट्टा होने के लिए अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त ज़ाया कर देते हैं। शायद कुछ परसेंट फ़र्क पड़ जाता हो, लेकिन उसका शख्सियत के साथ कोई लेन देन नहीं होता। मैं तभी अच्छा हूँ कि जब मेरा ज़ाहिर नहीं, मेरा बातिन अच्छा हो, मेरा दिल साफ सुथरा हो। मैंने अपने किरदार से पहचाना जाना है, अपने कलर से नहीं पहचाना जाना। तो लोग इसी में सारी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं, ये जानते हुए भी, पहचानते हुए भी कि मेरी तरक्की मेरे रंग रूप से नहीं, मेरे किरदार से होनी है। कोई एक लक का खटखटाहट और दरवाज़ा पे आहट होनी है जिसकी ऊपर वजह से मैंने ऊपर जाना है। वो तरक्की का जीना जब चढ़ना है तो वो कोई एक लम्हा होना है, उसे किसी रंग रूप का नहीं, उसे दिल के साफ, दिल के नीट एंड क्लीन और नीयत के साफ होने पर दारोमदार मुनहसर है। एक और आपको मिसाल देता हूं। यूरोप में, बाहर की दुनिया में जो अंग्रेज है, जो गोरा अंग्रेज है, जो गोरा चिट्टा है, आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं? आधी से ज्यादा दुनिया वहां की इस पर लाखों पाउंड्स या लाखों डॉलर्स खर्च कर देती है कि वो किसी तरह से उनका कलर मेरे जैसा हो जाए। जो डार्क ब्राउन स्किन है या ब्राउन कलर है, किसी तरह से मेरे जैसा हो जाए। उसके लिए वो क्या करते हैं? वो अपनी ज़िंदगी, जो एक लड़की मैच्योर होती है 12-13 साल की होती है, उसको फिक्र पड़ जाती है। वो जब तक मैच्योर होती है, अपने लाखों पाउंड या लाखों डॉलर उजाड़ चुकी होती है सन बाथ लेने के चक्कर में। वो अजीब किस्म की क्रीमें लगाकर, वो फिर टैन लेते हैं, साले समंदर पर जाकर दूर दूर का सफ़र करते हैं, समंदरों पर घंटों गुजार देते हैं। अपनी ज़िंदगी के, अपने दिन के कई कई घंटे वो बर्बाद कर देते हैं कि कलर उनका ब्राउन हो जाए। सोलेरियम एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मसनूई तरीके से सूरज की रोशनी पैदा होती है और मसनूई तरीके से वो सूरज की जो शुआएं हैं वो पैदा की जाती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज पैदा की जाती हैं। सोलेरियम पे लाखों डॉलर या लाखों पाउंड लगते हैं अगर वो पूरी ट्रीटमेंट करवाई जाए तो। वो लड़कियां, वो लड़के क्या करते हैं? सोलेरियम ट्रीटमेंट करवाते हैं हमारे जैसा कलर, मेरे जैसा कलर हासिल करने के लिए। वो अरबों पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस में अरबों उजाड़ देते हैं वो। और फिर होता क्या है? स्किन बर्न हो जाती है, स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, इतना घिस कर वो ऑयल मलते हैं स्किन के ऊपर कि उनकी स्किन के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो टैन होने के लिए, कलर ब्राउन करने के लिए क्या क्या नहीं करते। जब मैच्योरिटी का लेवल गुजर चुका होता है, वो ऐसे ऑयल लगाते हैं फेस पर कि 6-6, 8-8 महीने के लिए उनका कलर ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद जो वो कलर कहीं कहीं से उखड़ना शुरू होता है, उतरना शुरू होता है, तो धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। वो रैशेज ज़्यादा स्किन जब मैच्योरिटी की लेवल पर पहुँचती है तब पता चलता है। ये इतने जो हमने उजाड़ दिए, ये किसी पॉजिटिव काम, किसी पॉजिटिव अप्रोच पर लगाने चाहिए थे। गोरे को काला होने की फिक्र है, काले को गोरा होने की कोशिश में वो ज़िंदगी गुजार देता है। अगर ये कोशिश ही छोड़ के किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, पॉजिटिव वाइब्स की तरफ हम बढ़ना शुरू करें तो हमारी तरक्की का, हमारे बढ़ने का मियार कुछ और होगा। मैंने शुरू में कहा कि हम दुनिया में किसी और वजह से पैदा किए गए हैं, हम दुनिया में किसी और वजह से आए हैं। जब मैं आपसे यूनिक, आप मुझसे यूनिक हैं, अलग हैं, तो फिर मैं क्यों इस कोशिश में पढ़ूं कि मेरा रंग आप जैसा होना चाहिए, आपका रूप मेरे जैसा हो, ये क्यों सोचते हैं? सोचें ये कि रंग रूप का निखरना नहीं, किरदार का निखरना, शख्सियत का निखरना, वो कामयाबी है। तब आप यहाँ पर भी कामयाब होंगे, अगले जहान में भी कामयाब होंगे, तब आप यहाँ पर भी तरक्की और कामरानियाँ करेंगे। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं कि दुनिया में कामयाब तरीन और लाखों अरबों कमाने वाले अपनी खूबसूरती की वजह से कामयाब नहीं है, अपने काम, अपने हुनर, अपने टेक्निकलिटीज़ की वजह से वो कामयाब हैं। वो मुआशरे में इज्जत अपने रंग रूप की वजह से नहीं, अपने किरदार की वजह से हासिल करते हैं। वो शोहरत अगर हासिल करते हैं तो गोरा और काला होने की वजह से नहीं, वो किसी और वजह से हासिल करते हैं। उस वजह को पहचानने की कोशिश करें। अब ये देखें कि हर बंदा यूनिक है दूसरे से। मैं किसी और काम, आप किसी और काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। ये जो है ना, ये नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं या ये नेगेटिव जो अप्रोचेज होती हैं, इससे हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम,
अपनी नींदें हराम कर देते हैं। अगर गोरा रंग ही तरक्की कामयाबी के जीनत होता या जीना होता तो फिर ये जो पिछले मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स गुजरी हैं जो थी वो ब्लैक कलर होने की वजह से मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी हैं, वो गोरा चिट्टा नहीं। बहुत सारी और अप्रोचेज होती हैं जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती में निखार आता है, वो रंग की वजह से नहीं होता, वो और पर्सनैलिटी में और चीज़ें हैं जो आपने मेच्योर करनी होती हैं तो उसकी वजह से आप दुनिया में खूबसूरत जाने जाते हैं। बहुत सारे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले फिल्म स्टार्स ऐसे हैं कि अगर आप वैसे उसको दुनिया में देखें तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। वो अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपने किरदार, अपने जो उन्होंने किरदार निभा दिए उनकी वजह से वो अमर हो गए। तो दुनिया में आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम कुछ और है। अपने पैसे को, अपने रुपए को, अपनी एनर्जी को, अपनी नींद को हराम ना करें, ख़राब ना करें सिर्फ ये सोचने में कि मैं आप जैसा हो जाऊं, आप मेरे जैसे हो जाएं, मेरा रंग आप जैसा हो जाए, आपका रंग मेरा जैसा हो जाए। इस दौड़ से बाहर निकलकर उस दौड़ में शामिल हों कि जहां पर आपने आगे बढ़कर मज़ीद तरक्कियां करनी हैं और अपना नाम रोशन करना है। आप दुनिया में कभी भी अपने रंग और रूप की वजह से नहीं पहचाने जाते, अपनी शख्सियत, अपने किरदार की वजह से पहचाने जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।